राम राम जी। सारा ने ठीक हो जी, मैं भी ठीक हूँ। और आपका बार बार धन्यवाद है जी, क्योंकि आप मेरा बहुत साथ दे रहे हो। और आपका भी स्वागत है जी, ऐसी फैमिली सरोज में सुनिया करो, बताया करो जी। आज है जी आख्या देखी कन्ना सुनी भी बात झूठी उसका है। कत्ती सच्ची बात है जी, दूर तक पहुंचाने का डर सारा भी किसी का ना जचत है। आप मिल सकते हो, एक जज था जी, और जज की बहू भी बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, उसकी घरवाली जी बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, पर उसने नौकरी नहीं करने दी। वो कहने लगा कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, आप घर की सो ब्याह करा रो और मैं रहा, मेरे पास बहुत पैसा है। जज का जी दो बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की, सुखता अपनी जिंदगी बिता रहे थे। शक बढ़िया तो ऐसा बढ़िया घर नष्ट होता गया। शक किस चीज का बढ़िया जी, वह जज जो करवा रही आवे, लेट आवे, कई बार 8-10 बज जावे, तो वो आंदे नू कभी मैं नहा लू, फ्रेश हो लू, कपड़े लेकर बाथरूम में बढ़ जावे। उसने वहां कुछ ऐसा सबूत पड़ा पावे, कुछ का जी माइंड घूम गया भाई, एक दिन ना घूमे तो चुकर आज पा गया, हफ्ता 10 दिन नहीं कुछ मिला तो हफ्ते 10 दिन पाछ है। ऐसा भगवान ने कुछ टाइम लिख रखा था जी, जिस दिन वो ऐसा लेट सेट सा हुआ, उसी दिन को ऐसा उसने वहां सामान मिले बाथरूम में, को फिर मतलब उसका कद तक नहीं घूमा। घूम जाओ जी, कई बार कमर सुनी भी है भाई, वो जावे सख्त तो बहुत बुरी चीज है। तो जी इतना दिमाग खराब हो गया, कुछ ने उस तक कहना शुरू कर दिया, अपने घर वाली तक कहना शुरू कर दिया कि मतलब के तू ठीक नहीं है। तो वह बोली बक्की चाहे मेरी नाड़ काट दे, पर मैं तो मेरे मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचा, यह बात मैं सहन नहीं करूंगी। बहुत औरतें बहुत सुची हैं और बहुत सही हैं, देखो सारी दुनिया एक सी नहीं है। तो उसने बहुत कलेश पर बात होने के बाद अपने घर के बुला लिए जज ने, अपने माँ बापू भाई नूर नू बात है। तो उसकी माँ बोली बेटा लग दी कोने इसी बात, मानू कोने मैं, क्योंकि मेरे पास रो थी बिताई तेरे तो 5-7 साल हुए उस दिन की मेरी तो रही रोती। ने बोला माँ मैं झूठ को नहीं बोलता। तो एक दिन उस अपने घरवाली का भाई भी बुला लिया, क्योंकि जज का तो दिमाग का तीव्र टेक गया, अपनी सबूत है मेरे पास, कोई मैं उनको नहीं कहेगा। तो उसने पतेरी पूछी, उसके घरवाले ने कहा आप मैंने ऐसे कैसे कह सकते हो, यह बात है जब है नहीं तो क्यों कहो, मना मेरे ना दुख हो इस बात का। तो जी कति सुकने पड़ गई औरत, ना रोटी खावे ना पानी पियो, ना उसका तो मर्ज बैठी भी मैंने न्यू क्यों कहो है यू, और चाहे कुछ कहो पर न्यू मत कहो। तो न्यू होने के बाद जी औरत ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस पर नहीं उठी वह बात, ना उठन की थी बात, उठन की भी नहीं है सही आदमी के लिए। कोई भी सही आदमी पर कोई गलत इल्जाम लगा हो वो जहर पर बाजे भी तो कह भी दे जी, बहुत से आदमी जब सही है तो मरण का क्या मतलब सामना क्यों नहीं करा उसने उस बात का, बाद में तो सारी बात हुई है, उस टाइम नहीं आई उसके दिमाग में भाई मैं सब उस पर यह बात नहीं, मेरा आदमी यह बात कर रहा के जी नाम मेरा। तो जी जब उस पर यह बात ताली ना कि भाई मतलब मेरा आदमी है यह बात कर रहा, इतना मैंने जीना ही नहीं, तो ये तो हम भी सुन ले जी, देखो यह बात तक सही ही था, सही थी तो वह क्यों मरी, उन्हें सामना क्यों नहीं करा। फिर उसने क्या करा जी, मरने के बाद वह तो मर गी तो जज 10-20 दिन पाछे फिर अपने काम पर जाना शुरू हो गया। वो फिर अपने काम पर जाना शुरू होने के बाद उसने फिर वो लेट हो गया किसी न किसी दिन, तो 10-20 दिन भी ने दो भी ने कुछ नहीं मिला, क्योंकि
उसकी लीला रची हो, इनको कुछ कर नहीं सकता, और सब कवा कुछ के बगैर तो पता नहीं हलता, और फिर भी एक दूसरे पे रोह है जी कह कुआन में ईश्वर ने कर दिया, यू ईसा है या इसी है, वो उन्होंने दारू पी कर नाश कर दिया, इस लुगाई ने मिठाई खा कर नाश कर दिया, जब उसके बगैर पता नहीं हलता सब मानना, तो फिर यह बात क्यों नहीं मानते, उसने लिख रखे उनको नहीं मानते बहुत आदमी बतल एक दूसरे नौकर टॉर्चर करने पर हुए हैं। तो जी जब कदे ऐसा टेम आया तो उस पर वहां वही सबूत जज ने फिर मिला, तो जज ने का तेन दिमाग घूम गया, यू किता भाई आज दवा जा ली, जज का इतना दिमाग घूम गया सारी रात नींद नहीं आई जज ने, तो तड़की दोपड़े पाए, दोपड़े पाए तो कति जमीन भाई, क्योंकि जब भी उसने ऐसा ताजा सबूत मिलता कि जानो यू काम तो ईव नहीं होया है, फिर जिस समझ ना रहे तो देखो तुम समझ भी गए कि मेरे तो ज्यादा समझदार हो, खुल कर तुम्हें के बताऊं, जब भी उसका न्यू आया हो कति जानू तेरे आने से पहले ही भी लिखड़ के गया को आदमी हड़े तो, और फिर जी बाद में क्या होया उसका, उन्हें रात मिला और सुबह फिर ऐसा चांस होया कुन सुबह भी दोपड़े पाए तो उसका तक कति दिमाग नु घूम गया भाई, यू रास्ता के है मित्र घराली भी गई, यू भी सारा, तो उसने जी बाथरूम की तसली करनी शुरू कर दी, बाहर भीतर का देखा था जी जो यह हम बाथरूम में रोशनदान या कोई आला दुआला छोड़ते हैं भाई हवा निकल जा हवा पास हवा आए जाए जा, तो उसमें चिड़िया ने घोंसला बना रखा, चिड़िया ने घोंसला बना रखा और वहां कहीं तो उठा लिया और वहां वहां रख ले, उसने वहां रख ले और वहां कोई उसमें तो पांच दस दरे को देख देते ही के दरे उसमें तो पांच चार और कोई नीचे पड़ जाए तो जी बाथरूम में चिड़िया आंधी नहीं खांधी नहीं पड़ा रहा जब को परेन पड़ा है और पांच चार उसमें पड़े हैं, तो जज ने तेन टक्कर मारी अब को तेरी करमन तो अपना नाश कर लिया, उस पर गलत आरोप लाकर वह लुगाई मर गई, तो उसने फिर अपने करके दोबारा इकट्ठे करे, अब मेरे पता पाप हो गया और इतना बड़ा पाप हो गया, मत इस नदी में डूब का मृत्यु जब भी होनी, मैंने इतना बड़ा पाप कैसे करा, तो जी उसने कई उस जज के बयान मतलब उस जज की बात है यार, बहुत बार ऐसा देखा है मैंने भाई आख्या देखी और करना सुनी बात भी झूठी ओस कर, उस बात पे भी इतना करना किसी का नाश मत हो है आपके उजड़ जावे और के उजड़न में कसर रह जाए जब इस बात पर किसी के तय हो जाए किसके टॉर्चर करने का, तो इसलिए उस जज के बयान है कोई भी आदमी इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दे, कुछ भी हो सकता है टाइम साल दो साल चार साल पांच साल आदमी ने जरूर अपना टाइम शांति कर लेना चाहिए, भाई देख लो समझ लो बतला लो पूछ लो विश्वास करो एक दूसरे पर, ये थी जी एक सच्ची बात, और बताना जी आप ठीक लगा तो मैं सुना दूंगी जी, अगर कोई ऐसी बात आओगी तो मैं दर्जा अपने ठीक लगेगी तो मैं नहीं सुनाऊंगी, राम राम।